गाइस अगर तुम सुबह भी मिल जाते ना तो तुम कैसे ही छोड़ दे जा बाबा बहुत चिल्ला रहा है जाने दे इसको ऐसा भाई सुबह से थक गया बेचारा किसको किसको मुंह देगा वो बराबर पर एक्चुअली वही फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है ना जाने में भी होलीवाड़े में सर इधर राशन बांट रहे 500 आदमी जमा इधर नहीं पहुंचते तो उसको ही कॉल लगा अरे सर होली पे मैं जाना उधर 500 आदमी करे इधर एक दारू बेचती है यहां पे भी सुनो पुलिस वालों को सब पता है दारू बेचती है क्या लेकिन उसको कुछ है ही नहीं उसको पुलिस वाले उसको छेड़ते भी नहीं था उससे आप कर लेते क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं उसको सब्जी बोलते सब्जी बेचो पुलिस वाला बोला हम लोग फंडिंग कर देते आप सब्जी बेचो उसको सब्जी बेचने भी नहीं दे रहे सब्जी वाले उसका एक ही ऑप्शन बचा है दारू बेचना दारू वाला इसने बंद कर दिया तो दारू पीने वाला किधर भी जाके पीने वाला है ये पुलिस वाला जानता है वो तो है बेच दिया कितने का बेचेगा रोज का 150-200 का बेचेगा रोज का खाने को तो मिलेगा उसको यहाँ पे है बेचता है गरीब होगी तो क्या करेगा क्या करेगा ये भी पुलिस वालों का आज तो फटके पड़ी गए भैंडी समझ नहीं आ रहा है आज का ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूं सो जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था इस वीडियो में भी मैं हिंदी में बात करने की ज़्यादा कोशिश करूंगा ताकि सबको समझ में आए और ब्लॉग शुरू करने के पहले गुस्सा या द्वेष नाम की चीज़ को ना पालें जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है अभी अभी ताज़ा हमारे महाराष्ट्र पुलिस से डंडे खा के लाफे खा के आ रहा हूँ और क्यों खा के आ रहा हूँ उसी के लिए मैंने ये ब्लॉग का आरंभ किया है आज आपसे एक विनंती करना चाहूँगा कि प्लीज़ हेट्रेड मत फैलाइए गुस्सा नफरत मत फैलाइए इन लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई शाम के 5:30 से लेके 8-8:30 बजे तक आपको आराम से बताऊँगा कोशिश करें कि आप ये वीडियो अंत तक देखें ये वीडियो बनाने का मकसद दो चीज़ें हैं एक तो आज जो अपने टाइटल में या तो थंबनेल में देख ही लिया होगा दूसरा है इस कहानी के दो पहलू बताने का शुरू करते हैं मेरी कहानी बताने से क्या हुआ एग्जैक्टली मैं घर के बाहर क्यों निकला और ये जो भी हुआ कैसे हुआ हुआ ये कि 24th को लॉकडाउन हो गया और घर में था सफिशिएंट राशन सो बेसिकली 3 दिन पहले भी हम एक राउंड मारने गए थे और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त टोकन का टाइम निकल गया था डीमार्ट में टोकन देते हैं वो आपको जो आप दूसरे दिन या तो उसी दिन शाम को लेकर उनसे जो भी सामान होगा आपका पिकअप कर सकते हैं और उस वक्त हमें नहीं मिला सो मैंने और एक कोशिश की और इस वक्त जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि बाइक में पेट्रोल ही नहीं बचा था तो पेट्रोल भी भर लेते हैं मम्मी को मैंने बताया भी था कि नेबरहुड से उठा लेते हैं बट सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो नहीं मिल रही थी इसलिए हम वसई गए नाउ वसई जाने के दो रास्ते हैं पहला रास्ता है कि चुपचाप शॉर्टकट से निकल के शॉर्टकट से आओ ना तो कोई नाकाबंदी पड़ती कुछ नहीं पड़ती है दूसरा है जो गांव में से आता है पेट्रोल पम्प के लिए तो पेट्रोल पहले भरवाया और वहाँ से हम निकले अग्रवाल के थ्रू भाबोला नाका पे नाउ भाबोला नाका पे हमें एक कांस्टेबल ने रुका है बोला क्या किधर जा रहे हो मैंने बोला राशन भरने जा रहे हैं डीमार्ट जा रहे हैं जो बाबोला से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था कि डीमार्ट जा रहे हैं करके बोला बोले ओके बाजू में आ जाओ करके बाजू में गाड़ी पार्क कर दी जिन्होंने रुकाया उन्होंने तो नाम वगैरह नहीं पूछा उन्होंने हैंड ओवर किया एक दूसरे ऑफिसर को जिन्होंने मेरा नाम और नंबर लिया तो बोला सर अभी इसके बारे में किससे बात करनी है तो उन्होंने बोला जाओ उस टू स्टार वाली मैडम से बात करके आओ मैं गया 2 स्टार वाली मैडम के पास और मैडम कुछ इस तरीके से निकली कि मीन्स कि तुम देख रहे हो एक बंदा तुमसे बात करने आ रहा है और तुम डायरेक्टली निकल लिए हो आई गॉट अ लिटिल पिस्ड ऑफ थोड़ा सा गुस्सा है बट मैंने बोला चलो सिचुएशन ऐसी है तो विल कोऑपरेट उन्होंने बोला किसी और से बात करो
उन किसी और के और कोई और फेस आई टू आई कांटेक्ट हो रहा ही नहीं है। जब आपने रुकाया है मुझे एक टोल नाके पे, आप बात तो करो वो करने से पहले, बात भी नहीं कर रही है। 15 से 20 मिनट आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू टॉक टू मी, मैं रुका हुआ था कि अभी कोई आएगा, अभी कोई बात करेगा। और जब भी मैं बात कर रहा था वैसे तभी से एक दूसरा व्हीकल आया जिसमें एक दूसरा ऑफिसर बैठा था, जिसने बोले कि ये बंदा को ज़्यादा बात कर रहा है तो अंदर डाल दो, गाड़ी भी ले लो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच जो सुन के मेरा बुरा लगा। और मैंने सीधा मुंह पे बोला कि सर मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, आपको आप तो धमकी दे रहे हो। और मैंने ये भी बोला कि आप लोग जो काम कर रहे हो आपका मान है, यू नो आपका मान रख रहा हूँ, उसी लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। या तो मैं नाकाबंदी दूर से देखते ही यू टर्न मार के निकल सकता था, आई डेंट डू दैट, ओके। सो किसी ने एंटरटेन नहीं किया। एंड वेन जब मेरी फ्रस्ट्रेशन गॉट टू अ डिफरेंट हाइट, आई डोंट डू दिस, मैं नॉर्मली नहीं करता, बट आई थॉट दिस इज समथिंग टू बी हाईलाइटेड, बिकॉज आपको सिर्फ यू नो खड़े करके, मे बी अदर पीपल डोंट हैव टाइम, बट मेरे पास एक थी कि भाई घर पे बहुत से कुछ काम है वो करना है, दे केन नॉट जस्ट कीप यू हैंगिंग ओवर देयर फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, विच इज बीन अ ट्रेंड, ये होता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा। अगर कोई महाराष्ट्र पुलिस से देख रहा है तो आप खुद जज कीजिएगा कि ये सही था या गलत था। सो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया एंड आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया। इंस्टाग्राम पे लाइव जाने के बाद मैंने एक्सप्लेन की सिचुएशन और आई वॉज जस्ट अबाउट टू एंड इट, तो एक पुलिस ऑफिसर आई, उन्होंने बोला क्या कर रहा है। तो मैं बोला मैं लाइव हूँ, आप लोग बात नहीं सुन रहे तो मैं लोगों को बता रहा हूँ। और पीछे से दो और पुलिस ऑफिसर आए, बिफोर आई रियलाइज, मुझे समझने के पहले ही एक ने तो दो लाफे लगाए कान के नीचे इधर पे, और एक ने पैर पे दो फटके दिए। एंड ऑफकोर्स आपके पास कंप्लेंट सुनने का टाइम नहीं था, सॉरी कंप्लेंट नहीं, सिचुएशन समझने का टाइम नहीं था, बट आपके पास डंडे मारने के लिए टाइम था जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा है, ओके। तो मैं पिस्ड ऑफ हो गया, माय मदर वाज वरीड, शी वाज देयर विद मी एट द बैक, मम्मी था वहां पे, एंड लिटरली थ्री फोर कॉप्स हैव हेल्ड मी, चार से पांच पुलिस वाले थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उसमें से कुछ सीनियर रैंकिंग वाले भी थे जो सिर्फ बोल रहे थे कि ये डेढ़ साना बन रहा है, हाउ नो हाउ कैन यू टीच अस आवर जॉब, द बेसिक आइडिया वाज दिस। ये हुआ, उन्होंने हमें पुलिस वैन में डाला, मेरा फ़ोन छीन लिया था, जो मैंने उनको बोला मेरा फ़ोन मेरे हाथ में दो, आपको कोई राइट नहीं है मेरा फ़ोन रखने का, फ़ोन दो मम्मी को मेरे साथ भेजो, हम लोग साथ में जाएंगे कोई अलग नहीं जाएगा। वहाँ से हम लोग निकले पुलिस स्टेशन और मेरी मम्मी ने देखा कि फोर व्हीलर गाड़ियाँ थी जो आजू बाजू में थी, मम्मी ने पूछा फोर व्हीलर्स को अलाउड है, तो बोलती हाँ आपको सब कुछ बताता हूँ थाने चलो, ये टोन था जो मुझे भी गुस्सा आया, बट मैंने बोला शांत रहो अभी कुछ नहीं बोलना है। थाने पहुंचे, उन्होंने हमें एक रूम में ले गए, एक क्वार्टर में ले गया जहाँ पे एक कर्मचारी था जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मे बी वॉज असाइनिंग सम फाइल्स, बट कोऑर्डिनेशन नहीं था पुलिस वालों में यहाँ पे। उन्होंने बोला मैं काम कर रहा हूँ तो आप इनको दूसरे यहाँ पे लेके जाओ। मैं जैसे ही दूसरे ऑफिस में गया वहाँ पे जाके एक पुलिस वाला था जिसको मैंने बोला सर, जिससे मेरी आई कांटेक्ट हुई और जिसको मैंने मुझे लगा ये सुनेगा बंदा, मैंने उसको बोला सर आधा एक घंटा हो गया है सबसे बात कर रहे हैं बट ये इशू किस वजह से शुरू हुआ वो कोई बोल रहा नहीं है। और जब भी मैंने इस ऑफिसर को भी वो एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, जो दूसरे ऑफिसर्स थे एक या दो थे इस वक्त, उन्होंने इंटरफेयर किया, क्या सुन रहा है तू रिपोर्ट बना। सो इट वॉज मराठी, मेरे से जितनी मराठी हुई निकली, ये हुआ। और मैंने बोला कि आप समझ नहीं रहे हो और ना तो समझाने की सिचुएशन में हो। जैसे मैंने बताया, उनमें से एक कांस्टेबल था जो इरिटेट हो गया और उसने बोला चल तेरे को मारा करके तू बात कर रहे हैं ना, तो तुमको उसने मुझे ऐसा बोल के दूसरे रूम में लेके गया, मेरी मम्मी को थोड़ा साइड में कर दिया, दूसरे रूम में लेके आके हाउ यू गेट दैट कारपेंटर जो यूज़ करते ना वैसा दिखने वाला एक बेल्ट था, वो बेल्ट उसने निकाला, बंदे ने बोला कि तेरे को दिखाता हूँ मार क्या है अभी, मेरे हाथ पीछे थे ऐसे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जब से मैं बात कर रहा हूँ, बोला हाथ आगे ना तेरे को मार देगा। मैंने सीधा बोला कि बॉस देखो अगर मैंने कुछ गलत किया है और मजबूरी में गलत किया है कि मैंने मेरी गाड़ी रास्ते पर निकाली है बिकॉज मेरे घर में राशन खत्म हो गया, आई हैव नॉट गॉन एनीवेयर,
apart from my own compound or ration work in the evening. Getting me? So मैंने उसको वही बोला अगर मेरी गलती है ना आप मुझे यहाँ पे ही गाड़ दो but मैं हाथ आगे नहीं करने वाला और I hope मेरी माँ के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा. जैसे ही मैंने ये बोला पुलिस वाला ठंडा हो गया. पुलिस वाला ठंडा होने के बाद मैंने सुना कि मेरी मम्मी भी थोड़ा रो रही थी आगे बार एंड दे केप्ट अस अवे फॉर लाइक 10-15 मिनट्स. 15 मिनट के बाद मैंने बाहर गया देखा मम्मी सिटिंग ऑन द चेयर रो रही है. मैंने बोला क्यों रो रहे हो? बोलता है बिकॉज तू क्यों कर रहे हैं. देखो मालूम है तो बेसिक आइडिया ये हो गया कि लॉकडाउन सिचुएशन बाजू में हो गई बट मैंने क्वेश्चन कैसे किया इसके ऊपर बात आ गई और इसके ऊपर मेरा दूसरा राउंड ऑफ बीटिंग भी होने वाला था बट थैंक गॉड नहीं हुआ विच कुड हैव बीन वर्स. उसके बाद एक समझदार पुलिस वाला आया. द गुड कॉप बैड कॉप सिचुएशन आ गया यहाँ पे जहाँ पे उसने बोला भाई क्यों झगड़ा कर रहा है. देखो मालूम है और मैंने भी सुना है कि तू क्यों बोल रहा है पॉइंट से बोल रहा है बट ये लोग जो है तुम्हारे लेवल से ऊपर है. दिस इज वॉट ही सेड. तो डोंट फाइट विद देम. इनसे झगड़ा मत करो. सॉरी बोल दो और निकल जाओ. एंड विच वॉज वेरी सैड फॉर मी. सो इन द एंड वही करना पड़ा. मैंने गया मैंने जो पुलिस ऑफिसर थे उनको बोला कि सर जी सॉरी मेरे में पेशेंस नहीं था इसलिए मैंने आवाज़ बढ़ा के बात की. तो बोल रहे पेशेंस हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं 13-14 घंटे से. मेरी वाइफ कल से बोल रही है मैं घर पे नहीं आया. तो देन ही वॉज अगेन इन अ वेरी डोमिनेटिंग एक बहुत डोमिनेटिंग वे में बात की विच आई सेट पॉइंट नहीं है इनसे बात करके. इनको गलत प्रूफ करने जाएंगे तो हम ही फंस जाएंगे. यहाँ से उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए कोई एक्शन नहीं लिया विच वॉज गुड. वॉट डे डिड इज समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. मेरा बाइक इज विद देम फुल द 14. बाइक तो उन्होंने लीव नहीं की बट मुझे मेरी मॉम को उन्होंने डीमार्ट तक ले गए. जो पुलिस वाले थे जिन्होंने द गुड कॉप उनसे बात हुई आधा एक घंटा मेरी वाइल माई मदर वॉज शॉपिंग. सो ही ड्रॉप मी होम ऑल द वे फ्रॉम देयर. सो आधा एक घंटा बात हुई और यही बात हुई एंड आई वी एक्चुअली अंडरस्टूड द सिचुएशन कि भाई एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रज रख के फायदा नहीं है. लोगों को भी समझना चाहिए एंड कीपिंग इन माइंड दिस कोरोना सिचुएशन जो हो रहा है. इवन दे आर फ्रस्ट्रेटेड. हम देख रहे हैं लाठियां बरसाई जा रही है लोगों पे. क्यों बरसाई जा रही है? इनको शौक तो नहीं है वो श्योर है. हाँ बंदा 14-15 घंटे शिफ्ट कर रहा है फैमिली से चिल नहीं है कुछ नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन होता है. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं है. गलती उनकी भी है गलती मेरी भी है. गलती ये है कि भाई जब आप किसी पर कार्रवाई कर रहे हो तो उनको फेस कीजिए. एटलीस्ट अभी नहीं तो बोल सकते भाई बैठ 10-15 मिनट बैठ बात करेंगे एंड देन टेक इट अहेड फ्रॉम देयर रादर देन जस्ट टेकिंग अ बाइक कीज ऑफ एंड छोड़ दिया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इवन दीज गाइज ये लोग भी हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं. अपनी फैमिलीज को दिनों से नहीं मिल रहे हैं और हर चीज़ का एक पहलू होता है. यू नो हमने पिक्चरों में देखा होगा कि इनकी लाइफ स्टाइल कैसी है और जज करते होंगे. ये इंसान को 10-15 मिनट में देखते हैं मे बी बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन पूरे दिन की जो सड़ास होती है उससे ये हमें जज करते हैं. उनके साथ जो बर्ताव करते हैं लोग. अगर मुंबई पुलिस के लिए मैं कुछ छोड़ना चाहूँगा तो यही छोड़ना चाहूँगा कि सर आप हाथ उठाए गलत लोगों पे हाथ उठाए और एक रीज़न से हाथ उठाए. टू बी वेरी फ्रैंक प्लास्टिक का डंडा था तो इतना लगा नहीं बट छाप आ गई है विच आई डोंट थिंक सो. लकड़े पे पॉसिबल लकड़े से तो लग जाती. द सैड पार्ट इज व्हेन आई जब मैं लाइव गया आई वॉज टॉकिंग और लाइव एंड होने के पहले इस पुलिस वाले ने अपना डंडा ऑलरेडी उठा दिया था. सो उस वक्त जो लोग लाइव जाके जिन लोगों ने लाइव जाके मेरा वीडियो देखा उनको तो ये लगता होगा कि ना इंसाफी हो रही है. बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज दिस. इसी के साथ आई होप आई डोंट गेट इन ट्रबल फॉर मेकिंग दिस वीडियो. आई होप हमारी जो पुलिस है और हमारी जो जनता है एट द सेम टाइम एक दूसरे को जाने परखे. ग्रे शेड्स बहुत है इसमें. अगर हम देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे पुलिस वालों के अगेंस्ट
ग्रे शेड बहुत है बट क्या कर सकते हैं यार, फोकस ऑन द पॉजिटिव. और होपफुली ये जो वीडियो है थोड़ा इम्पैक्ट करेगा. अगर आप किसी पुलिस वाले को जानते हो तो प्लीज़ उनसे ये शेयर कीजिए, ये जो सिचुएशन हुई है उनसे उनसे उन्हें बताइए. और इस वीडियो के थ्रू मैं किसी का नाम खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है. और जो वीडियो मैंने लाइव में ली थी इंस्टा पे, वो भी मैंने डिलीट कर दी है. इन द एंड ऑफ द होल थिंग एक चीज मुझे खटकी कि बस पुलिस वाले ने ये बोला कि तू कोई पहचान का होता, ठाकुर बिकुर होता तो शायद से हम लोग हाथ भी नहीं उठाते, मगर तू सलाम वाली कैसा दिख रहा था और तूने वीडियो निकालना शुरू किया. तेरे को देख के और चार मवाली बोलेंगे अरे पुलिस लोग के सामने निकाल के जाते हैं, कुछ नहीं करते बच्चे लोग. सो ये गलत है. वाई अ ठाकुर वैन वाई अ नॉर्मल बींग लाइक मी कैन बी